हेलो सब गाइस, तो आपका स्वागत है हमारी एक और इस वीडियो में। तो भाई लोग, पबजी लवर्स के लिए तो एक बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल के आई है कि पबजी इंडिया में अनबैन होने वाला है। और जैसे मीटिंग हुई थी हमारे चाइना और इंडिया की, जो मीटिंग हुई थी उसमें चाइना वालों ने बोला कि जो भी आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे, बस पबजी को अनबैन कर दीजिए, बस उन्होंने ऐसा बोला है। और वैसे भी पबजी तो आप अभी खेल ही सकते हो, पबजी बैन तो हुआ नहीं है, बस ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे से हटा है, लेकिन आप उसे अभी खेल सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। अगर आपके फ़ोन में पहले से ही डाउनलोड है तो आप खेल सकते हो। कि तो बहुत बड़े बड़े जो वेबसाइट होती है उस पर आर्टिकल्स निकल के आए हैं कि पबजी अनबैन होने वाला है। और जो जैसे बड़ी बड़ी ऑर्ग्स हैं, TSM, NTT, फनेटिक, इन सब ने बात भी करी है टेंसेंट से कि कब तक अनबैन होगा ये सब। तो उसका मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। और एक ऐप है, टैप टैप चाइनीज़ ऐप है, उस पर भी एक हमें एक न्यूज़ निकल के आई थी कि इंडियन पबजी मोबाइल, जैसे एक गेम फॉर पीस है, चाइना के अलग, कोरिया के अलग है KR वर्जन, और हमारा भी शायद इंडिया का एक अलग वर्जन भी आ सकता है। अब हम उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ऑफिशियल जो हमारी ग्लोबली जो गेम है वही वापस आएगी या फिर नया उसका इंडियन वर्जन आने वाला है, ये इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पबजी मोबाइल वापस आने वाला है, कुछ दिन लग सकते हैं। उसमें जो टैप टैप वाली जो न्यूज़ है उसमें दिखाया गया कि 8 तारीख, मतलब कल के दिन, एक नया वर्जन आ जाएगा। अब बाकी सब तो भाई पता नहीं, वही जानते हैं। अब ये थोड़े दिनों में भी आ सकता है, हफ्तों में भी और महीनों में भी, इसे महीने भी लग सकते हैं गेम को आने में वापस। लेकिन ये मैं लिख के कह सकता हूँ गेम वापस आएगा। और अब हम अपनी दूसरी बात कर लेते हैं कि जैसे कल के दिन हमारा इरांगल 2.0 आने वाला है, लेकिन वो इंडिया के लिए नहीं आएगा क्योंकि इंडिया में ऐप स्टोर और प्ले स्टोर बैन हो चुका है, मतलब उस पर गेम बैन हो चुकी है, तो उस पर तो कोई अपडेट आने नहीं वाला। और जो बड़े बड़े अपडेट होते हैं वो हमेशा प्ले स्टोर पे ही आते हैं, कोई इन गेम अपडेट नहीं आता है। तो जैसे मैं डाउनलोड करूँगा कल, तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा कैसे आप इंडिया में इरंगल 2.0 का जो ग्लोबली है वर्जन वो कैसे डाउनलोड करें, उसकी एक मैं कल अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप जाके देख लेना। और एक गाइस नई न्यूज़ निकल के आई थी कि एक कोलकाता में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि पबजी बैन हुआ और वो खेल नहीं पा रहा भाई। लेकिन पबजी तो अभी भी चल रहा है, बस वो ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर से चला है। तो अब बाकी तो हमें पता नहीं, न्यूज़ वाले अपनी TRP बढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं कि उसने ऐसे सुसाइड कर लिया पबजी बैन की वजह से। और वैसे भी गाइस पबजी तो वापस आने वाला है कुछ ही टाइम बाद, सब लोग एंजॉय करेंगे, मिलके खेलेंगे। गाइस अब हम फौजी गेम के ऊपर बात करने वाले हैं कि फौजी गेम, मतलब ये तो हमें पता नहीं है कब तक आ रहा है, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे उसको, कैसा निकलता है वो गेम। और गाइस इंडिया के बारे में कुछ मत बोलो, गेम के चाहे डेवलपर्स को बोलो आपने कॉपी करा है पोस्टर ये सब। और लोग बोल रहे हैं सबके सब कि जैसे उरी जो मूवी आई थी उसका तुमने पोस्टर चुरा के बाहर वाले देश के लोगों ने ले लिया और वापस फिर इंडिया में हमने ले लिया अपने फौजी गेम के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उरी का जो पोस्टर है वो जो कॉल ऑफ ड्यूटी PC है उससे पोस्टर वो चुराया गया और फिर उरी में लाया था और वापस बाहर गया, वापस इंडिया में, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। और जो उधर है इंडिया का फ्लैग लगाया है वो भी इन्होंने ठीक से नहीं लगाया है, जैसे बिल्कुल अच्छे से एडिट नहीं करा है। अगर वो 1-2 घंटा अच्छे से काम भी कर लेते इस चीज़ के ऊपर पोस्टर बनाने के लिए, और बहुत अच्छा भी पोस्टर बन सकता था। एक यूट्यूब चैनल है जॉबलेस फ्री, उसने भी एक घंटे में फौजी गेम का एक पोस्टर बनाया, और उन्हें ये भी बोला है कि अगर आपको इसको लोगों की तरह इस्तेमाल करना है अपने गेम में, फ्री है बिल्कुल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एनकोर गेम्स को उनने बोला है कि फ्री में यूज़ कर सकते हैं। गाइस थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर कर देना, थोड़ा बहुत इशू आ रहे हैं। और पबजी भी वापस आने वाला है बहुत जल्द, और कल मैं एक 2.0 कैसे डाउनलोड करें उसकी भी मैं आपको पूरी वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।